बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैर रखे होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बार रखे, इसी तरह बस से मुस्कुराते रहे। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और शुरू से एक रिक्वेस्ट होती है यूट्यूब चैनल पर नुसरत भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें अब मार्केट चलते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं। सुबह सुबह तो टाइम अजय जो ना मार्केट चो सब्ज़ी जी लिया अजे तक लाई कोई नहीं रेहड़ियाँ से अजे लैके आए तो सारिया आई पे। मैं हम मूड़ियाँ जड़िया ना वो लैन लगे तो मैं क्या भी कदू कश जरा ना वो करिए फिर पराठे बनाइए सुबह सुबह। अजे नहीं नहीं 1.5 किलो करनी है। किनिया हुई 2 किलो कर दे। चलो जी 2 किलो मूलियां ले लिया। हाँ जी सब्जी बहुत फ्रेश है, कद्दू, गाजर, गोभी, मटर, तकरीबन सारी सब्जी जी है ना बहुत फ्रेश आई हुई है। तो मिर्चा भी, मिर्चा छोटिया छोटिया देसी लेके आओ। अच्छा माशाल्लाह से फ्रेश मूलियां लेके आए हैं, बिल्कुल फ्रेश। तब मैंने ये दोनों पहले ही धो के रख ली थी। अच्छा किन्निया मूलियां का कद्दूकस करना जी? सुमेरा जेड़ा ना वो काम कर दी पई है क्योंकि सुबह का टाइम है ना, इस वजह तो असी क्या भी नाश्ता जेड़ा ना वो नहीं बनाया। मैं कहता सी कि बाजार च मूलियां आ जान तो फिर जेड़ा ना नाश्ता बनाने तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। नहीं नहीं सारिया दे कर लेना। अजे मूलियां शुरू शुरू च नवियां नवियां ना, इस करके उन्होंने नाल पत्तर ज़्यादा आते हैं। जदों सीजन शुरू हो जाता ना फिर इस तरह करते हैं कि पत्तर ला के दे देंगे, कहें कि लै लो 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो। हूँ हजे मार्केट साढ़े इतने लइए च नहीं हुई, इस वजह तो महंगिया वा। अच्छा जी हूँ मैं ते अदन दोनों जने जिहड़ा ना असी मूलियां छिलांगे ते फिर कद्दूकस करांगे क्योंकि काम तो फिर जिहड़ा ना सारिआं नूं रल मिल के करना पैना। बिरयानी साइड करियो कौन? अच्छा सुमेरा सुबह सुबह अपना सिलाई कढ़ाई तरपाई वाला काम करन लग गई ते मैं ते अदन जड़े हैं ना असी क्या ही असी जड़ा ए मूलियां कद्दूकस करके दिखा दिए। ठीक है ना ते ए हुण मैं मूलियां जड़ियां छिलदा पिया वा ते उम्मीद है भी जड़ियां ना ए छिलियां जाणगियां अज अज ते 10 बजे असी सुबह का नाश्ता कर ही लवेंगे। 10 तो सौखे बज जाने क्योंकि मेरे नाल अदन बेटा तेज काम कर रहे हैं ते अदन इदा ही है ना अदन। अरे मैं कि काम करना शुरू किया आज मैं तो सिर्फ आ कद्दूकस करनी है। अच्छा जी दोनों बच्चे प्यारे बच्चे अपने नाश्ते का जरा ना वो इंतजाम करते पे ने, कद्दूकश कर रहे ने दोनों बच्चे। ये कर लैन फिर उस तो बाद फिर मैं कर दा। किस तरह कितने कर दे कद्दूकश कर करके कितने रख दे? अच्छा मैं देखदा एक मिनट। अच्छा भी अदन हमार कब से लगे हुए इनसे मूलियाँ पहले इनसे पहले मूलियाँ कद्दूकस होती हैं तो इनके पापा ने भी छोड़ के बच्चों के हवाले करके आप उधर मैं कपड़े सिलाई कर रही थी तो भाई प्याज की कार ला गई तो बातें सुनने चले गए तो इतना मतलब चस्का है बातें सुनने का। तो सुबह से मैं रात का मैंने कल दोपहर का खाना खाया मुझे इतनी भूख लगी थी। आपने नहीं सिलाई कर ले कपड़े मैं मूलियाँ कद्दूकस कर दूँगा तो ये सारी बच्चों ने खराब कर दी। तो अब मैंने कहा मैं खुद कर लेती हूँ फटाफट नाश्ता बनाती हूँ ऐसे ही है ना सर। तो ये सारे पत्ते वगैरह चावल में डाले अच्छा ऐसे कहने के ये चापल निकाल लेती इसमें ना वो जो सारा पत्ते वगैरह वो डाले
अच्छा एक बात बताऊं, ये मूली कद्दूकस करना, मिर्चे नमक लगाना, कोई इतना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, ये मैंने सारा अच्छे चले, ये भी डाल छापन में बैठ, ये सारा कुछ मैंने कर दिया, ये सारे पत्ते डाल आधा तो स्टार वो वाले भी डाल, वो जो राइटिंग बोर्ड आपने था उधर रखा हुआ ना, वो मैं आपको क्लिक करती हूं। भाई ये खाने यहां से फाई करनी है, सारी हवा ही चल रही है। वो असल सारा मसला ये दरख्त की वजह से बना हुआ है, बस इसकी भी चंगाई कर देंगे। हर रोजाना मुझसे नहीं इतने पत्ते उठाए जाते। पापा ने ये सारी मूलियाँ कद्दूकस कर ली हैं। आप सबसे अकेले आप, मतलब आप और आपके पापा ने नहीं की सारी जी? मैंने आगे हाथ लगाया तो काम खत्म हुआ जी। जी ऐसे आखिर में आके एक आधा हाथ लगा के तो कह दिया कि मैंने ये सारा काम कर दिया। ये हम सभी ये काम करके मिर्च नमक रुला सकते थे, रुला सकते थे तो रुला देते भी। फिर आप ये कहें हम पराठे भी बना सकते थे। अच्छा भी ये मैं पानी इनका निकाल दूंगी अब मूलियों का, क्योंकि जल्दी जल्दी पराठे बनाते हैं। पानी क्यों निकालते हैं, अंदर रस नहीं होता? नहीं पानी निकालना पड़ता है ना, अगर ना निकालें तो फिर पराठों में से निकल जाती है मूलियाँ, खुश्क खुश्क चीज आती है ना। अम्मा अपने ये क्या बनाए हैं गोल गोल? अच्छा मिर्ची कम हो जा ज्यादा? मिर्ची कम तो हरी तो मैंने अब नहीं, मतलब मैंने कहा भूख बहुत लगी हुई है, ये रेड वाली डाल लेते हैं जब दोबारा बनाएंगे ना। मुझे और ये नमक थोड़ा थोड़ा डालना क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है। तो हरी मिर्चों वाली फिर जब कभी बनाएंगे ना, शाम को बना के रखूंगी मूली। अब भूख बहुत लगी है बेटा, सीजन मूलियों का भी है। अच्छा। आपने मूलियों वाला नहीं खाना? नहीं। खा के तो देखेंगे इतना मजा। मम्मा जी कितने अभी तक मैं टीवी देख। अच्छा इन्हों पहले पेड़े बना के रख लाना। ठीक है ना, दे छोटे छोटे पेड़े में रखे बांध दे है ना। मार बैठा हूँ, मान भूख लगी है, जी लेट हो गया ना। पहले सुबह सुबह खाने दें। सही, सानू भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, दस तो बजन लगे है। चलो कोई नहीं, हम दोपहर दी ना खावांगे फिर शाम में खा लेंगे। वैसे अगर तुम्हारा छुट्टी का आ रहा है, इन्होंने 11 बजे ठीक दोबारा मांग लेनी है। ये दही सारे मेरे थोड़े मिर्चा विद जी मिक्स की थी, हम जलन हो गई सारी। अच्छा कोई नहीं, बस ये तो एक दफा इन्हें गरम मिक्स करो। अच्छा करके दिखा देनी है, तुसी विच आ के तुसी के भी मैं जल्दी जल्दी कर ला। एक एक बड़ा ना सारे तक दो 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 मेरे दो साथ दे। अच्छा जी उमर दा पराठा बन गया। उमर बैठा खाना खा रहा, कहंदा कि पापा जी इधर मेरे हाल देखो, मैं ना मूली वाला पराठा पसंद नहीं करता, तो मैं दूसरा सादा पराठा डबल खा रहा। मैं कहा चलो बेटा तुसी खाओ, तो असी तो मूलियाँ वाले शौक ने, मैं आदम समैरा से साहब, हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद है। हाँ जी इस सर्दियों जरा ना इस सीजन असी अज फस्ट टाइम जड़े ना मूलियाँ वाले पराठे बनाए ने, तो इस करके जरा मैनू तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मूली वाला पराठा होवे, आलू वाला पराठा होवे, ते साग वाला परांठा होवे, पालक वाला परांठा होवे, ये सारे परांठे मैनू अच्छे लगते ने। कीमे वाला होवे वह भी मैनू मज़ेदार लगता। चले जी हुण असी मैं बैठ के खाना वा, तो बहुत माशाल्लाह जरा ना हो जबरदस्त बने।